जाने के लिए हम रेडी हो गए। मैं कल शाम में ही जो है घर आ गया था, यहाँ से हमने बैठना था, मतलब लारी अड्डे हम पहुँच गए। वो गाड़ी खराब हो गई है, नहीं आ रही यार। जैसा कि आपने सुना अभी, गाड़ी जो है, जिस गाड़ी पर जाना था उसका ड्राइवर जो है, उसको पता नहीं क्या होगा। एसी वाली गाड़ी मिली है हमें, कौन सुकून से पीछे आके बैठ गए हमें। माशाल्लाह, ये वो बंदा है जिसके बाद हम लाहौर मिलने आए। इसकी आइसक्रीम है ये भाई, आपको कैसा टेस्ट लगा इसका? माशाल्लाह आइसक्रीम बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज का सीन ऐसा है कि आज तकरीबन, मतलब अभी असर का टाइम है, तो कल सुबह हमने जो है ना लाहौर के लिए निकलना है, क्योंकि दोस्त ने वहाँ से मोबाइल मंगवाया था। तो मोबाइल जो चार्जिंग में भी पंगा कर रहा था, बैटरी टाइमिंग जो है वो भी उसकी सही नहीं थी। तो उसने बोला यार अब ये लाहौर चलते हैं, क्योंकि वो फ़ोन उसको कर रहे थे, फ़ोन भी नहीं वो उठा रहा था। उसने बोला यार चलो लाहौर चलते हैं, लाहौर जा के देख के आते हैं यार ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, मोबाइल ख़राब वगैरह तो नहीं दे दिया ये। मैंने बोला चलो ठीक है यार चलते हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया था, मैं लाहौर नहीं गया, 7-8 साल हो गए। मैंने बोला ठीक है तरतीब बनाओ। तो जो है अभी तो खैर असर हुई है, तो कल सुबह मतलब इंशाल्लाह जो है हम लाहौर के लिए निकलेंगे। वहाँ पे भी दोस्त है, तो वहाँ दोस्त जो है लाहौर जाएंगे तो वहाँ के पिक कर लेगा। तो फिर इंशाल्लाह जो बाकी का लोग है वो जो है लाहौर जाके हम स्टार्ट करें। जाने के लिए हम रेडी हो गए। मैं कल शाम में ही जो है घर आ गया था, क्योंकि मतलब आज सुबह हमें निकलना था। तो अभी जो है बर्गर बच्चे बन के हम जा रहे हैं, अभी जिस दोस्त के साथ जाना है उसके घर चलते हैं, अभी उसको घर से उठाएंगे, तो उसके साथ जो है हम फिर लाहौर के लिए। 10 बजे की बस है, तो अभी जाके पहले बस पकड़ते हैं, फिर स्कूल से जाके जो है आगे की वीडियो स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे आमिर भाई आ रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। सलाम हो रहा हूँ, ठीक हो? तो बस चलते हैं अभी उसके पास। यहाँ से हमने बैठना था, मतलब लारी अड्डे हम पहुँच गए हैं, जिस दोस्त के साथ जाना था वो भी जो है आगे आगे चल रहा है, क्योंकि अभी बस ढूंढ रहे हैं हम लोग कि कौन सी बस है हमारी। लाहौर से टिकट बुक करवाए थे, तो 26 नंबर। वो गाड़ी खराब हो गई है, नहीं आ रही यार। जैसा कि आपने सुना अभी, गाड़ी जो है, जिस गाड़ी पर जाना था उसका ड्राइवर जो है, उसको पता नहीं क्या हुआ, लेकिन गाड़ी खराब हो गई है। वो भी हम जो है दूसरे अड्डे पे जा रहे हैं, वहाँ जाके अब गाड़ी का पता करते हैं कि कौन सी गाड़ी जो है अभी लाहौर जाएगी, वरना फ्वार हो जाएंगे यार। इतना जल्दी उठ के तैयार श्यार हो के फिर बस नहीं मिले, तो बेवजह गुस्सा, नींद खराब बेवजह। वो भी चलते हैं दूसरे अड्डे पे जाके पता करते हैं। इस बेचारे को बड़ा गुस्सा आया हुआ है, तो इसकी जो नींद जो है ना, इसकी मेरे से ज्यादा नींद खराब हुई है। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले जो मतलब वैगन वाले अड्डे पे हम गए थे, वहाँ पे वैगन जो है खराब हुई हुई थी, तो दूसरे अड्डे पे आए, यहाँ पे जो है एसी वाली गाड़ी मिली है हमें, तो हम सुकून से पीछे आके बैठ गए। मैंने बोला चलो पीछे बैठ गए, सुकून से वीडियो भी बनाएंगे, गपशप भी लगा लेंगे। तो अभी तकरीबन बस 1/2 घंटा हो रहा है गाड़ी निकलने में, फिर इंशाल्लाह लाहौर का सफ़र हमारा शुरू होगा, और फिर उसी सफ़र में जो थोड़ी बहुत वीडियो बनाएंगे वो फिर आपसे शेयर करेंगे। गाड़ी चल गई है माशाल्लाह। तो भाई हमने 1/2 घंटे का बोला था, लेकिन 1/2 घंटे में गाड़ी नहीं चली, मतलब 10 मिनट बाद ही हमारी जो गाड़ी है जो अड्डे से मतलब रवाना हो गई है। जो भी सुकून वाला सफ़र जो है वो हम तय करेंगे एसी में, सुकून से आराम से। बस नींद तो वैसे आ रही है, कोशिश करते हैं कि सो कहीं गुजारें। तो अभी माशाल्लाह हम जो है लाहौर दो मतलब 2 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग लाहौर पहुंच गए हैं। तो अभी तो खैर यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है, छाँव में खड़े हुए हैं यार,
जिस दोस्त ने लेने आना था उसने बोला मेरे पास तो काम है, मैं नहीं आ रहा, मैं भाई को भेजता हूँ, तो वो आके तुम लोगों को कुछ कर लेगा। आप छाँव में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो भाई माशाल्लाह ये वो बंदा है जिसके बाद हम लाहौर मिलने आए। ये भाईजान, भाई ने हमारी दावत की है, ये चिकन कढ़ाई बनाई है भाई ने, माशाल्लाह खुशबू इसकी बहुत टाइट है, वैसे ही भूख बहुत लगी हुई है। और ये जो है ये अकील भाई हैं, ये तो वैसे ही घर से भूखे आए हैं, और ये पाए भाईजान घर से, उन्होंने पाए भी मंगवाए, उन्होंने बोला भाई भाईजान दोस्त आ रहे हैं तो पाए भी उन्होंने मंगवाए, फिर इंशाल्लाह बैठ के बस अभी भूख लगी है, खाना खाएंगे फिर इंशाल्लाह और की नमाज पढ़ेंगे। ये तो भाई वैसे ही घर से भूखे आए हैं। तो भाई अभी खाना वाना खाया, जोर की नमाज का टाइम था, तो अभी हम नमाज के लिए जा रहे हैं। ये भाई अकील को मैं बोलता रहा हूँ पहले नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, इनको भूख लगी नहीं थी तो इनको बस इन्होंने बोला पहले खाना खाना फिर नमाज पढ़ लेंगे, तो बस अभी जा रहे हैं। ये सामने ही मस्जिद है, खाना खाएंगे फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर जो है शाम को देखते हैं कि कहाँ घूमने फिरने जाना है। ये माशाल्लाह मस्जिद है, बाहर से तो बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, अंदर से भी यार जाहिर सी बात है खूबसूरत होगी। मार्केट जाएंगे फ्री सेंट्रल गुलबर्ग फ्री में, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इचरा जाएंगे, इचरा के बाद हम इंशाल्लाह बादशाही मस्जिद दत्ता साहब और मीनार पाकिस्तान भी इंशाल्लाह जाएंगे, तो इंशाल्लाह यहिया भाई हमारे साथ फुल कोऑपरेट करेंगे और अकील भाई भी हैं इंशाल्लाह, इनका जहां दिल करेगा मैं लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे लाहौर में ये रहते हैं तो ये इन्हीं को ही पता है कौन सी जगह कहाँ पे है, तो यही लेके जाएंगे घूमने के लिए, घुमाने के लिए, हम तो सिर्फ पीछे बैठ के मजे ले रहे हैं इनके पास। हम यहीया भाई के साथ आए हुए हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ तो मैं सही आई है यार, मजा आ गया यार इस टाइम, क्या बात है क्या। तो यार हमारा जो आज का सीन था, वैसे तो मोबाइल मार्केट से सीधा मीनार पाकिस्तान, और कहाँ जाना था हमने जाना था बादशाही मस्जिद और जाना था दाता साहब, और दाता साहब दरबार, दादा साहब के दरबार जाना था, लेकिन बारिश जो अल्लाह के काम है, अल्लाह के काम की दुनिया को रोक सकता, बारिश भी इतनी तेज होने लग गई तो मोबाइल मार्केट में 4 घंटे से खुआर हो गए थे। तो अभी वहाँ भाई जिनके पास आए हैं उन्होंने बोला यार आइसक्रीम खिलाते हैं आपको, फिर जो है इंशाल्लाह फिर रात को आराम से जाके खाना खाएंगे, अभी देखते हैं आइसक्रीम खा के फिर वापसी से रवाना होते, क्योंकि जो मोबाइल हमने लेना था वो लेने के बजाय हम बेच के आ गए, तो अभी हम देख रहे हैं कौन सा मोबाइल हम खरीदें, क्योंकि जो लेना था वो भाई 1 लाख से ऊपर ही जा रहा है, वो 1 लाख से नीचे ही नहीं आ रहा, तो फिर इंशाल्लाह फिर दोबारा जाते हैं मार्केट किसी और चक्कर लगाते हैं जाके। जी अकील भाई आपने मोबाइल क्यों सेल किया है? मुझे 9 प्रो चाहिए था। 9 प्रो चाहिए आपको? 1+9 प्रो। ये हम वाइफल के वालों के पास आए हुए हैं, ये बहुत अच्छी इनकी आइसक्रीम होती है, ये आलमगीर इनका स्पेशल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। ये भाई आपको कैसा टेस्ट लगा इसका? आइसक्रीम बहुत अच्छी है। अभी रात के बज रहे हैं 10:15, क्योंकि हम 4 बजे से निकले हैं, अभी तक मोबाइल के लिए और होंगे दूसरी मार्केट में, उधर भी कम से 1 से 1.5 घंटा हो गया, तो पता नहीं कब वापसी जाएंगे, सुबह से मोबाइल देख देख के वैसे हालत टाइट हुई है, क्या सोच के आए थे, अभी तो मोबाइल की मार्केट में फंसे हैं, देखते हैं कब निकलना होगा।
यार सारा दिन फॉर होने के बाद अभी जो है 11 बज रहे हैं तो रात का खाना हम खा रहे हैं और वहाँ भाई हमें जो है खाने में पिज़्ज़ा खिला रहे हैं। आपको आज बेहतरीन पिज़्ज़ा खिलाता हूँ, चलते हैं उधर ही। फिर अभी माए तो ऑर्डर भी दे दिया, पिज़्ज़ा भी अभी हमारा आ गया। अभी जो है खाना खाते हैं, नींद जो है सर पे चढ़ी हुई है, खाना खा के जो है जाके यार कल का सारा दिन जो हमारा वो तो समझ लो बारिश हो गई थी, तो मतलब कहीं घूमना फिरना नहीं हुआ हमारा। तो अभी हम मतलब दोस्त के क्वार्टर में जो है रात को सोए थे और अभी जो है उठे हैं, अभी जाके नाश्ता वगैरह करेंगे फिर चलेंगे कहीं घूमने फिरने, क्योंकि कल बारिश का मौसम था सारा, हर तरफ पानी था तो निकले ही नहीं कहीं। वो भी इंशाल्लाह जाएंगे, मीनार पाकिस्तान जाएंगे और ये जो जहाँ कह रहे थे दाता के दरबार वगैरह थे वहाँ जाएंगे। अभी तो यार नाश्ता करते हैं बस, फिर चलेंगे कहीं, कहाँ देखते हैं जाना। और ये जो है जिनके साथ हम जा रहे हैं वो भाई हमारे आगे आगे चल रहे हैं, और ये हमारे अखिल भाई हैं। हाँ जी अबू जी, बस और बता। यार अभी बज रहे हैं तकरीबन शाम के 4 बज रहे हैं, तो हमारा मतलब लाहौर आने के आज 2 बजे थी, 1 बजे मोबाइल की थी, दूसरी वजह जो थी मतलब घूमने फिरने की। तो मोबाइल की जो वजह मतलब मोबाइल का काम था वो तो हमारा हो गया पूरा, तो घूमने फिरने की जो बात थी वो फिर गर्मी भी बड़ी ज़्यादा थी, तो इसी वजह से दिल था भी और नहीं भी था, तो फिर हम नहीं गए घूमने फिरने कहीं भी, मीनार पाकिस्तान वगैरह कहीं भी। तो फिर इधर कज़न था, कज़न के पास आ गए, कज़न के पास अभी दोपहर का खाना खाया, मतलब 4 बज रहे लेट हो गए थे, तो अभी जो है फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम फिर वापसी करेंगे। यार वैसे लाहौर वाकई माशाल्लाह यार बड़ा प्यारा शहर है। तकरीबन मैं 2016 में आया था और आज मतलब 2023 में अभी आया हूँ, तो काफ़ी मतलब उस वक्त से अभी तक जो है काफ़ी चीज़ें जो है तब्दील हो गई हैं। सब रोड वगैरह भी साफ सुथरे, इलाके वगैरह भी मतलब सारे माशाल्लाह जो है अच्छी, बहुत अच्छी लगी दूर की चीज़ें, मतलब जहाँ जहाँ मतलब बाइक से घूमते फिरते रहे, कज़न वगैरह के पास गए, दोस्त वगैरह के पास गए, और मतलब मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। बस जो है मीनार पाकिस्तान नहीं है या मतलब दाता के दरबार वगैरह या शाही मस्जिद जो हमने जाना था वहाँ हम नहीं जा सके, फिर टाइम भी हमारा ख़त्म हो रहा था क्योंकि हमने आज शाम को वापसी निकलना था। तो हमने बोला चलें ठीक है, फिर मैंने कदम वो बोला यार हम आज निकल लें, तो फिर हमने समझा बस स्टॉप पर छोड़ के आ जाओ। उसने बोला चलो ठीक है, दोपहर का खाना खाते हैं, तो फिर जो है तुम लोगों को बस स्टॉप पर छोड़ाऊँगा, तो फिर इंशाल्लाह जब कभी आएंगे फिर इंशाल्लाह जो है घूमने फिरने के लिए जाएंगे मीनार पाकिस्तान वगैरह या जो जो भी घूमने वाली जगह है यहाँ। तो भाई अभी जो है हमारी वापसी है, तो जिस कज़न के पास रुके थे उनसे भी मुलाकात करते हैं, क्योंकि वो फिर वो हम कह रहे हैं कि मैं भी कल परसों आऊँगा चलो, तो फिर उनसे वहीं मुलाकात कर लेंगे। तो बस अभी हम निकल रहे हैं। ठीक है यासिर भाई, चले इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मीनार पाकिस्तान मैं डाउनलोड किया मामा। तो यार लाहौर का सफ़र हमारा जो है वो ख़त्म हुआ, अभी हम लोग घर पहुँच गए तकरीबन 3 घंटे बाद। सुबह का सफ़र तो हमारा 2.5 घंटे का था, अभी का सफ़र हमारा 3 घंटे का था। तो अभी वो वीडियो को एंड करने का टाइम है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।